26 जुलाई 1902 को रिजर्वेशन की पॉलिसी को लॉन्च करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए आज सकरपुर के इस सभागार में प्रगतिशील जाटव मंच के माध्यम से मनाया जा रहा है 127वां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, उसकी मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। संस्था के अध्यक्ष अशोक जी और मंच का संचालन कर रहे राजकुमार जी, यहाँ पर आई माता बहने बेटियाँ सभी साथियों को बुजुर्गों को मेरा जय भीम। साथियों, काफी देर से आप बातें सुन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी हैं, बहुत प्यारा सा मंच है, बहुत प्यारी बातें हो रही हैं। इस बीच में मैं भी आपको दो बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे चंदन जी, एनके चंदन जी ने बहुत सारी बहुत अच्छी बातें बताई आपको। मैं हमेशा एक पॉइंट पर बात रखता हूं, हमारे आजाद हुए 70 वर्ष हो गए और बीच बीच में आकर के हमारे महापुरुष हमको जन जागरण करके हमको बार बार जगाते रहते हैं। बाबा साहब ने हमको रिजर्वेशन दिलाया, रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे चेहरों पे कुछ खुशहाली, कुछ चमक आई, कुछ लाली आई, तो उस लाली को दोबारा से फीका करने का जो काम चल रहा है वो तो खैर दुश्मन तो अपना काम कर ही रहा है, मगर हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने चार क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है जो हम नहीं कर रहे हैं। राजपाट काऊ को कऊ ना दे है, जो ले है निज बलते ले है। बल हर प्रकार का होना चाहिए, बुद्धि बल, जन बल, धन बल, मसल बल, गोली का बल, बोली का बल और मक्कारी का बल भी बहुत जरूरी है। आज दुश्मन हमसे मक्कारी के बल पे जीत रहा, बाकी उसके पास में जितने भी बल हैं वो हमारे सामने सारे टीके हैं, सिर्फ और सिर्फ मक्कारी के बल से जीत रहा है। तो साथियों, हमको भी अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर हम नहीं कर रहे। 1977 में बीजेपी की बीजेपी नहीं, जनता पार्टी की सरकार आई थी, जनसंघियों की आरएसएस की सरकार कह लो उसको। 1977 जितने भी यहां पर बैठे हुए ये सब सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, हाथ उठाए कोई प्राइवेट स्कूल का हो तो, सब सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। मगर 77 में आते ही बीजेपी उसने आरएसएस ने शिक्षा के निजीकरण का चोर दरवाजा खोल दिया। हम कुछ सीखते ही नहीं, हमने कितने इंस्टीट्यूट खड़े कर लिए अपने। अगर हम उनसे लड़ना चाहते हैं तो किस किस मौके पे हम लड़ेंगे, उन मौकों पे हमें भी तो तैयारी करनी चाहिए। हमने कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले हैं 70 वर्ष में, 700 तो इंस्टीट्यूट हमको खोल देने चाहिए थे इस देश के अंदर। हमको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, ये मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी संस्थाएं चलाते हैं, वो उस बारे में भी सोचें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी स्टेब्लिश करें। दूसरा क्षेत्र है, अभी बात चल रही थी कि भाई पे बैक टू सोसाइटी, हम इनको दान दें। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जी हम बच्चों को दान दें। क्या कभी हमने फाइनेंस के बारे में काम करने का सोचा है? हम छोटी छोटी पूंजी, छोटे छोटे हम अपनी बचत सोसाइटियां बनाए, छोटी छोटी सोसाइटियां बनाए, उसे छोटी छोटी बचत करें और उसको धीरे धीरे करके बैंक में डेवलप कर लें। हमारे अपने बहुजन बैंक भी होने चाहिए। आपने देखा होगा कर्नाटका बैंक, सौराष्ट्र बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे कैसे निकले? ये सारे भी उसी तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट से निकल करके बैंक बने। मगर हमारा कोई भी बहुजन बैंक नहीं है, हमारे लोगों का कोई बैंक नहीं है। आप किस तरीके से उनसे कंपटीशन करने की बात कर रहे हैं? तीसरा क्षेत्र है हेल्थ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब प्राइवेट सेक्टर में, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे हैं, इनको पैनल मिल रहा है सरकार का, इनको नौकरी तो सरकारी चाहिए। माफी चाहूंगा भाई, बात बुरी लग रही है, माफी चाहूंगा, नौकरी सरकारी है मगर ना तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे और ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। क्यों? उनकी हालत ही ऐसी कर दी गई है, सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज कराने के लिए जाएगा, जुकाम की दवाई लेने जाएगा तो बुखार साथ में बांध करके ले आएगा वो, इसलिए वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए नहीं जाता। और प्राइवेट नर्सिंग होम इतने कुकुर कुत्ते की तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुल रहे हैं, हमारा समाज क्यों नहीं करता इस काम को? हमें क्यों नहीं हेल्थ के
क्षेत्र में काम करना है, हम भी तो अपने हॉस्पिटल वगैरह खोलें। आप उस चीज को संक्रमण को लेकर के आइए, उसके लिए मास्टर प्लान बनाइए, काम करना शुरू कीजिए कि हमारे भी अस्पताल वगैरह खुलने चालू होंगे। और चौथा क्षेत्र है इंडस्ट्री। हमारे चंदन जी बैठे हुए हैं, वो बिजनेस की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ हमें इंडस्ट्री भी खोलनी चाहिए। अरे हमारा बहुजन समाज के बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं, मगर उनको मार्केट में काम नहीं है, उनको रोजगार मिलेगा अगर हमारी अपनी इंडस्ट्री खुलेगी। इन चारों क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग संगठन बना करके बहुत सारे लंबे चौड़े भाषण पेलते रहते हैं। भाई काम भी तो करो। Those who oppose required to propose। भाई आप दूसरे की वो तो कर रहे हो, उसको कंडम तो कर रहे हो, व्यवस्था भी तो दो। व्यवस्था दो भी करना कैसे उस काम को। इन चारों क्षेत्रों पर काम करो। मैंने कहा ना कि राजपाट कोई किसी को देता नहीं है। अगर इन चारों चीजों में, चारों क्षेत्रों पे आपका कब्जा होगा तो सत्ता आपसे कभी भी दूर नहीं रहेगी। जिसको मर्जी चाहे उसे उठा करके MP बना लो, उसी को मुख्यमंत्री बना लो, जिसको कहोगे। आज सरकार, आप कह रहे हो कि RSS की सरकार चल रही है, अब तो सरकार अडानी और रिलायंस घराने चला रहे। बताओ जी कितना पैसा चाहिए, कौन से क्षेत्र में चाहिए, कितने खरीदने हैं MP MLA। वो बात दूसरी है कि उन्होंने उनका प्रोग्राम इस समय पे कर्नाटका में फेल हो गया, मगर ये सोचने की बात है कि हर समय फेल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें 2019 का लक्ष्य है। जान पूछ करके उन्होंने ये काम छोड़ा है, वरना 2 सीटें आई थी कहां पे, और वहां पे सरकार बना करके बैठ गए BJP वाले हैं। क्या कर्नाटक में उनके लिए सरकार बनानी मुश्किल थी, पर वो जान पूछ करके छोड़ा है। नहीं तो पूरे देश में माहौल BJP के खिलाफ जा रहा है, लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई ने, सोमेंद्र जी ने इस बात को कहा था कि देखिए उस चीज को हमें हर क्षेत्र पे जोर, हर क्षेत्र पे काम करने की आवश्यकता है। मैं भी उस प्रोग्राम में शामिल हूँ। हम जून के महीने में रामलीला मैदान में EVM को जलाएंगे, ये हमारा प्रोग्राम है, और हम इसी के लिए एक मीटिंग पहले करके आए हैं। ये दूसरी मीटिंग है हमारा। आपके बीच में आने का उद्देश्य यही था कि हमारे समाज के काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। वैसे मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, जाटव पहले था, बुद्धिस्ट हूँ, जाटव भी हूँ, नारायण मत जाटव भी हूँ, नारायण मत तो सर इन क्षेत्रों पे काम कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। हम EVM को इस देश से हटाना चाहते हैं, वरना जब तक EVM जिंदा रहेगी BJP की सरकार उस दिन तक रहेगी। मोदी और योगी को कोई हटा नहीं सकता अगर EVM नहीं हटेगी। इसलिए EVM को जलाना बहुत जरूरी है। बहुजन को अगर आना है तो EVM को जाना है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपने मुझे इस मंच पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आपका जय।